हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच, ठीक है ना, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। अभी आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, लेकिन होली के बाद से, ठीक है ना, मतलब अप्रैल से आप लोगों को रेगुलर क्लास, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और थोड़ा बहुत विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मोबाइल बहुत पुरानी हो चुकी है और मोबाइल से ही सारा चीज़ मुझे करना रहता है। अभी उतनी क्षमता मेरे पास नहीं है कि मैं कोई व्यवस्था कर सकूं, क्योंकि हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं जितना होना चाहिए। बस एक बार एग्जाम हो जाए, या तो आर होगा या तो पार होगा, अदरवाइज आप लोगों के बीच तो हमेशा जुड़े रहेंगे। आइए, टॉपिक का नाम है एंगल बाइसेक्टर। कह रहा है कि टॉपिक एंगल बाइसेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2D का ही एक हमारा क्या है, पार्ट है एंगल बाइसेक्टर। आइए समझते हैं। स्टेटमेंट इसका है, इफ ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, मतलब एक लाइन का इक्वेशन, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो, ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन, आर टू नॉन पैरेलल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस, दैट्स मीन्स ये जो गिवन टू लाइंस हैं वो ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं, तब कैसे हैं, ठीक है ना। देन इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइन्स आर गिवन बाई। तो पहले हम फिगर ड्रा कर लेंगे। जैसा स्टेटमेंट कह रहा है कि दो लाइंस हैं और दोनों जो लाइंस हमारे हैं ना तो परपेंडिकुलर हैं और ना ही पैरेलल हैं, मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे जो दोनों लाइंस हैं कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक। हमने फिगर के माध्यम से, ठीक है ना, दिखाया कि जो हमारे दोनों लाइंस हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें से सपोज करिए इस लाइन का नाम हमने ए बी किया और इस लाइन का नेम हमने सी डी रखा। तो यहाँ सपोज करते हैं ये हमारा, ठीक है ना, पहला लाइन है L1, जिसका नाम है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, और ये हमारा सेकंड लाइन है L2, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो, ये हमारे टू लाइन्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो टू लाइंस हैं, जितना एंगल यहाँ क्रिएट होगा उतने यहाँ होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, और यहाँ भी वही चीज बनेगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारे एक एंगल यह है और एक एंगल ये है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अब क्या होगा कि एक लाइन पी क्यू है, एक लाइन पी क्यू है जो इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसी को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एक लाइन और ड्रा कर लीजिए, सपोज करिए इस लाइन का नाम है ए एम, एम एन, जो कि इस एंगल को क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर कर रहा है। हमें पी क्यू और एम एन लाइन का इक्वेशन निकालना है, जिसके लिए होता है फार्मूला ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन होल बाई होल रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू होल बाई होल रूट में, ठीक है, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, यहाँ ए वन स्क्वायर और बी वन स्क्वायर। प्रूफ करने के लिए एक तरीका होता है कि किसी लाइन पर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं एक्स वन वाई वन, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इस पर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि किसी दिए गए बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालने के सूत्र से इसको हमने क्या किया, ड्राइव किया है। अब आइएगा, ये हमारा होता है फार्मूला एंगल बाइसेक्टर का, ठीक। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन फाइंड एंगल, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, बाइसेक्टर ऑफ लाइंस लाइंस 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल 0, एंड सेकंड लाइन का इक्वेशन है 12x माइनस 5y
प्लस 7 इक्वल 0। ठीक, हमारे पास फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल 0 एंड 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल 0 एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला चीज, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये तो फार्मूला है, कल फार्मूले से हम काम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट देखना होगा। कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है C1 एंड C2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, C1 और C2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये चीज मस्ट है। ठीक है ना, ये चीज क्या है, मस्ट है। अब कह रहा है कि अगर A1 ठीक A2 प्लस B2 ग्रेटर देन 0 आ गया, देन जो पॉजिटिव वाला लेंगे वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, एक ऑब्ट्यूस बनेगा और एक एक्यूट बनेगा। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो अपने आप निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ठीक, अब आइएगा दूसरा चीज क्या हो सकता है कि जो A1 A2 प्लस B1 B2 है वो लेस देन 0 भी आ सकता है। ठीक, जब 0 आएगा तब क्या होगा, देन जो पॉजिटिव वाला होगा वो उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट, मतलब ये हो जाएगा एक्यूट और जो निगेटिव साइन जब आप लेंगे तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यही सबसे बड़ी हमारा क्या है, ब्रह्मास्त्र है, कॉन्सेप्ट है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है दोनों हमारे धनात्मक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि A1 into A2 plus B1 B2 अगर greater than 0 है तो जो पॉजिटिव वाला लेंगे, यहाँ पर देखिए दो केस बनेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो वो क्या होगा, जब पॉजिटिव वाला लेंगे तो वो ऑब्ट्यूस होगा और जो निगेटिव साइन लेंगे तो एक्यूट होगा। सेकंड वाला इसका जस्ट अपोजिट है, तो आइए यहां ध्यान देते हैं। यहां पर अगर देखा जाए सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो C1 एंड C2 ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि C1 1 है, C2 7 है। ठीक, अब आइएगा, नाउ A1 कितना है, A1 3 है, A2 कितना है, 12 है, प्लस B1 कितना है, 4, B2 कितना है, माइनस 5। हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 36 और 20 जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब ग्रेटर देन 0 होगा तो अब आइएगा, नाउ एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 होल बाय इतना, मतलब इस लाइन को आप लिखिए, 3x प्लस 4y प्लस 1 होल बाय। ठीक, इसको हल करेंगे तो 3 3 9 4 4 16 25, 25 मतलब 5, ये हो गया इक्वल। अगला क्या हमारे पास है, 12x माइनस 5y प्लस 7 और अंडर रूट में 12 का 144, 25 13 होगा प्लस माइनस। ठीक, अब आइएगा केस फर्स्ट, पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव ले लेंगे आप तो कितना होगा, 3x 4y प्लस 1 बाई 5 इक्वल 12x माइनस 5y प्लस 7 बाई 13। ठीक, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब क्रॉस थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, आइएगा। अब क्या है कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, तो जो भी इक्वेशन आएगा वो एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 वाला है, पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा हमारा, ऑब्ट्यूस होगा
और जो निगेटिव वाला साइन जब लेंगे तो जो उसका लाइन इक्वेशन आएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ करना नहीं था, आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए और ये बताइए साथ ही साथ कि कौन ऑब्ट्यूस होगा, कौन सा लाइन का इक्वेशन और कौन एक्यूट होगा। तो उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा, इतनी बात हो गई, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम अभी तक तो बताए थे कि C1 और C2 दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, इन केस ना हो तो बना लीजिए। और अब हम ये भी कहने जा रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब आइए इसके लिए सीखते हैं कि अगर हम धनात्मक ना रखें तब क्या रखें। मान लीजिए ऋणात्मक, हम कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि C1 और C2 दोनों ही हमारे धनात्मक होना चाहिए, अगर निगेटिव भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए, चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम आप लोगों के बीच ला रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक। एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0 एंड दूसरा है हमारे पास 5x प्लस 12y प्लस 1। हमें इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर देखा जाए तो C1 निगेटिव है, C2 पॉजिटिव है। अब क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, एक कॉन्सेप्ट वो था और ये भी वही कॉन्सेप्ट है, वैसे ही लगेगा, लेकिन आप दूसरे मेथड से अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए C1 कितना है, माइनस 5, C1 कितना है 1, मतलब एक लेस देन 0 है और एक ग्रेटर देन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लेट अस एंगल बाइसेक्टर 3x प्लस 4y माइनस 5 होल y, ठीक। चार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 25, 5 प्लस माइनस 5x 12y प्लस 1 और ये हो जाएगा 144, 25, 169 और ये हो जाएगा 13, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करिए, अगला काम आपको क्या करना है कि इसका अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लीजिए। ये हो गया, ये हो गया 25x 60y प्लस 5 हो गया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करिए, केस फर्स्ट करिए, पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 39x प्लस 52y माइनस 65, 25x 60y प्लस 5 इक्वल, अभी इक्वल कुछ नहीं, सबको इधर बुला लीजिए, कितना हो जाएगा 14x, इसको इधर बुला दीजिए, माइनस 8y और माइनस 70 इक्वल 0 हो गया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करिए, निगेटिव साइन लीजिए, निगेटिव साइन जब ले लेंगे तो 39 और ये निगेटिव तो इधर आएगा तो 45 हो जाएगा, अब प्लस 52 माइनस 60y, ठीक। इसके बाद क्या होगा, प्लस 60 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
माइनस इधर आएगा तो प्लस 52 प्लस 60 वाई, और माइनस 65 माइनस 5 इक्वल 0। अब आइए, इतना हो गया 3 2 5 1 6 एक्स प्लस 2 112 12, उसके बाद में 70 इक्वल 0। हमने एक इक्वेशन ये फाइंड आउट किया, अब एक इक्वेशन ये फाइंड आउट किया, ठीक। अब हमारे पास क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होने वाला है, माइनस फाइव, अच्छा यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस फाइव, उधर जाएगा तो प्लस फाइव, तो यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगला चीज क्या है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू हमारे पास दो है, यही दो एंगल बाइसेक्टर है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन एंगल बाइसेक्टर में कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन दो रेखाओं के जो समीकरण आपने फाइंड आउट किया है, इसमें से कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, तो उसके लिए क्या करिए, उसके लिए हमारे पास, ठीक है ना, एक लाइन का इक्वेशन ये दिया गया था, एक लाइन का इक्वेशन ये दिया गया था, और हमने फाइंड आउट किया एंगल बाइसेक्टर के रूप में, एक इक्वेशन ये किया और एक इक्वेशन ये किया, ठीक। हमारे पास ये दो चीज है। अब आप क्या करिए कि जो दिया गया इक्वेशन और जो बाइसेक्टर का आपने इक्वेशन निकाला है, उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एंगल निकाल लीजिए। अगर हमारे पास, ठीक, टेन थीटा इज लेस देन वन आ जाए, क्या आ जाए, टेन थीटा इज लेस देन वन आ जाए, तो जो अगर लेस देन वन आ जाए तो वो हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल, अगर ग्रेटर देन आ गया तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हमने आपको दो मेथड बताया है, जो भी आपको सुपर लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक। धन्यवाद।